अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस एएनएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। कौन सी सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है ना। ये चीजें डिस्कस करने से पहले, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की डिस्कस करनी है, एएनएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आर रिलेटेड विद द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देयरफॉर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी विल डिस्कस लिटिल बिट अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है ना। पहले थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको कहते हैं। इलेक्ट्रो केमिकल सेल, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट्स अ डिवाइस विच converts chemical energy into electrical energy, okay। अब ये electrical energy हमने discuss किया है, किसको कहते हैं? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। अब ये केमिकल एनर्जी आती कहां से है? ये केमिकल एनर्जी कहां से आती है? रिलीज हो जाती है फ्रॉम या ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। एक केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, केमिकल एनर्जी रिलीज होती है। और ये केमिकल रिएक्शन होती कहां है? ये केमिकल रिएक्शन होती कहां है? इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द इलेक्ट्रो केमिकल सेल। ये केमिकल रिएक्शन होती है विद इन द सेल, विद इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इनसाइड, ठीक है ना। और ये जब केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, उसको कहते हैं केमिकल एनर्जी। और उस केमिकल एनर्जी को ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है कन्वर्ट करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दिस क्रिएट यू, यह है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की मदद से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, सो हाउ कैन यू डिफाइन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? हाउ कैन यू गिव द डिफाइन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? कैसे डिफाइन करेंगे हम? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी रिलीज्ड, विच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म it mainly consists of a container hota hai which contains electrolyte, iske andar electrolyte hota hai and a pair of electrodes, two electrodes are partially immersed into it like this. This is electrode number one, this is electrode number two, ठीक है ना। ओके, एंड दिस इज वॉट वी कॉल द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक वेसल होता है, वेसल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है
एंड उसमें इमर्स किए जाते हैं टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब जो ही ये इलेक्ट्रोड्स इसमें इमर्स की जाती है, स्टार्ट में जब हम इसमें इमर्स करते हैं, व्हाट हैपेंस, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट्स। उस केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड में से पॉजिटिव आयन्स निकलते हैं, तो इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड दूसरे इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होते हैं पॉजिटिव आयन्स, देयरफॉर इट्स पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। एंड शॉर्ट, सो वन इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रोड एंड सेकंड इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। एक का नेगेटिव पोटेंशियल है, दूसरे का पॉजिटिव पोटेंशियल है। पॉजिटिव मीन्स हायर पोटेंशियल, नेगेटिव मीन्स लोअर पोटेंशियल। एज दिस क्रिएटिव देन अ स्टेज रीचेस व्हेन दिस केमिकल रिएक्शन स्टॉप्स, तो उस वक्त जो इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान वो मैक्सिमम होता है, ठीक है ना, याद रखें मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एंड नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है ना। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस लिए हम यूज करते हैं, फॉर व्हाट पर्पस, इसको हम यूज करते हैं किसी सर्किट को चलाने के लिए, यानी कि टू मेंटेन अ करंट इन अ सर्किट, ठीक है ना। जैसे कि वॉल क्लॉक है, उसमें हम सेल का इस्तेमाल करते हैं, रिस्ट वॉच है आपकी, उसमें सेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। उसमें एक सर्किट होता है, उस सर्किट को रन करने के लिए, उसमें करंट मेंटेन करने के लिए, या वॉल क्लॉक में करंट मेंटेन करने के लिए, बल्ब में करंट मेंटेन करने के लिए, वो और सर्किट होगा, उसमें करंट मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये सेल वहां पे हम कनेक्ट करते हैं। विदाउट दिस सेल और बैटरी द करंट इज नॉट पॉसिबल थ्रू द सर्किट, ओके। सपोज दिस इज द रजिस्टर आर, दिस इज नेट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, इट्स कॉल्ड लोड रजिस्टर, ठीक है। दिस इज द रजिस्टेंस, यहां पे वो कॉइल जैसी रेजिस्टेंस नहीं होती, इट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एनी सर्किट, उसकी नेट रेजिस्टेंस, चाहे अगर वॉल क्लॉक होगा तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर है, अगर रिस्ट वॉच है उसकी रेजिस्टेंस आर है, अगर कोई बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। तो आर इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इज दिस क्लियर। एंड नाउ यहां पे अब देखिए, यहां पे क्या होगा, यहां पे की लगाएंगे हम वन वे की, ठीक है ना। ओके, व्हेन वी इंसर्ट द प्लग हियर, व्हेन वी इंसर्ट द की इन दिस, व्हाट विल हैपन, करंट विल फ्लो, करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल इन दिस डायरेक्शन, फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इट विल गो थ्रू द रजिस्टर, ठीक है ना। जो ही हम ऐसे, कैसे होता है, अब होता क्या है एक्चुअली, व्हेन वी इंसर्ट द की हियर, व्हेन वी इंसर्ट द की, व्हाट विल हैपन, जो सर्किट होता है ये क्लोज हो जाता है, तो केमिकल रिएक्शन जो अंदर पहले स्टॉप हुई होती है एट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, जब रीच होता है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, वो दोबारा स्टार्ट होती है वो केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। वो हमें डिटेल में डिस्कस नहीं करना है। जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, जो यहां से पॉजिटिव चार्ज कम होता है उसको कंपनसेट करने के लिए केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो उसकी वजह से यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर मेंटेन होता है। फॉरगेट अबाउट दैट फॉर द टाइम बीइंग। ओके, नाउ अब करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लोइंग, सपोज आई इज द करंट ड्रॉन डाउन द सेल, इट गोज थ्रू दिस लोड रजिस्टर आर, ठीक है ना। अब जब ये इस रजिस्टर में जाएगा, इस रजिस्टेंस में क्या होगा, अपोजिशन, ठीक है ना, रजिस्टेंस मीन्स अपोजिशन, ठीक है ना। ये अपोजिशन कहां होगी, रजिस्टर्स में। अब ये करंट जब फ्लो होगी थ्रू दिस सर्किट, इसमें अपोजिशन होगी, ठीक है ना, देन दिस करंट विल ऑल्सो फ्लो थ्रू द विद इन द सेल, ये सेल के अंदर से भी फ्लो हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो करंट फ्लो होगी ये खाली एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो हो जाएगी, करंट ये पूरी सर्किट में सर्कुलेट हो जाएगी। इट विल नॉट फ्लो ओनली थ्रू द एक्सटर्नल लोड रजिस्टर, बट इट विल ऑल्सो फ्लो थ्रू द विद इन द सेल, क्या होगा, इट विल फ्लो फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोड टू दिस इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। जैसे पहले मैंने बता दिया, यहां से पॉजिटिव आयन स्टार्ट हो जाएंगे, जब हम ऑन करेंगे यहां से पॉजिटिव आयन निकलना शुरू हो जाएंगे फिर से, ठीक है ना, यहां से पॉजिटिव आयन डिपॉजिट हो जाएंगे फिर से, ठीक है। तो इट मीन्स दैट करंट खाली एक्सटर्नल सर्किट में नहीं फ्लो हो रही है, करंट विद इन द सेल भी फ्लो हो रही है, ठीक है ना। अब सिर्फ फर्क यह है कि एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट फ्लो होती है इट इज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट हियर इन द इलेक्ट्रोलाइट इट इज बिकॉज ऑफ
आयन्स, पॉजिटिव आयन्स एंड नेगेटिव आयन्स, इज दिस क्लियर? तो यहां से करंट, यहां से भी करंट फ्लो हो जाएगी, तो पूरे सर्किट में ऐसे सर्कुलेट हो जाएगी करंट इस तरह से, ठीक है? ओके, एंड नाउ अब जब करंट, जब एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो होती है वहां से इसको अपोजिशन आती है रेजिस्टेंस को, आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, आर इज अपोजिशन पोज्ड बाय द सर्किट टू द फ्लो ऑफ करंट. सिमिलरली नॉट ओनली द एक्सटर्नल लोड रेजिस्टर विल अपोज द अपोजिशन, विल अपोज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, बट ऑल्सो दिस करंट विल सफर अपोजिशन फ्रॉम विद इन द सेल, ठीक है ना? क्योंकि जब ये करंट इलेक्ट्रोड में फ्लो हो जाएगी, ये इलेक्ट्रोड है, इट मे बी अ मेटेलिक इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड होता है, इस तरह से जिंक इलेक्ट्रोड होता है, कार्बन इलेक्ट्रोड होता है, तो इलेक्ट्रोड के अंदर से भी रेजिस्टेंस होती है, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस आपको पता है, कोलिजन बिटवीन द वाइब्रेटिंग आयन्स एंड द कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना? एंड देन जब यही करंट इन द फॉर्म ऑफ आयन्स फ्लो होगी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, तो यहां पे क्या होता है, यहां से भी अपोजिशन आती है. अपोजिशन, व्हाट इज द कॉज ऑफ विद इन द इलेक्ट्रोलाइट? इट इज बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन आयन्स, जो अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स होता है बिटवीन द आयन्स, दैट इज द कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना? तो यहां से भी अपोजिशन होगी टू दिस करंट विद इन द इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें भी अपोजिशन आएगी, यहां से भी अपोजिशन रेज हो जाएगी, ठीक है ना, टू द फ्लो ऑफ करंट. एंड दिस अपोजिशन विच इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. सेल मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओके? सो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट टू द ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. इसी को कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसको क्यों कहते हैं? ये सेल के अंदर से ही आती है ये अपोजिशन, ठीक है ना? क्योंकि सेल की मदद से हम करंट फ्लो कर सकते हैं. करंट कैन फ्लो थ्रू ए सर्किट ओनली बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है ना? अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं होगी तो करंट इज नॉट पॉसिबल इन द सर्किट. सेल की मदद से ही करंट पॉसिबल है, ठीक है ना? बट विद इन द सेल अपोजिशन आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ अपोजिशन पोज्ड बाय द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट. एंड द टोटल रेजिस्टेंस पोज्ड बाय द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल to the flow of current is called internal resistance of the cell. इसी को कहते हैं internal resistance of the cell. Internal resistance of the cell. So how can you define the internal resistance of the cell? The total opposition offered by electrodes and electrolyte of an electrochemical cell to the flow of current through it is called internal resistance of the cell. याद रखना, total opposition posed by electrodes and electrolyte of an electrochemical cell to the flow of current through it is called internal resistance of the cell, ठीक है ना? And ये जो internal resistance होती है, it is generally ये कम होती है, ज्यादा नहीं होती है, तो इसको हम small r से represent करते हैं. जो load resistance होती है इसको capital R से हम represent करते हैं. तो within the cell इसकी वजह से current flow होती है, मगर within the cell ही opposition यहां पर create होती है. Whenever the current flows through this cell, ठीक है ना, this current, the cell poses some opposition to the flow of current through it, and this is represented by small r. यहाँ पे zigzag line से मैंने दिखा दिया. This represents the internal resistance of the cell. Within the cell, internal resistance. Is this clear? Okay. अब देखिए बेटा, अब जो हमारे पास symbol है, किसी cell का जो symbol, circuit symbol है, वो किस तरह से दिखाते हैं? Two parallel lines, as you know. पहले भी मैंने बता दिया है, ठीक है ना? एक लंबी लाइन होती है, दूसरी शॉर्ट लाइन होती है. अब बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. कभी स्टूडेंट्स ऐसे भी बनाते हैं, ये गलत है, ठीक है ना? कभी स्टूडेंट्स टू पैरेलल लाइंस बनाते हैं तो इससे हम कैपेसिटर दिखाते हैं. कभी ऐसे करते हैं, ये भी गलत है, ठीक है ना? ए सिंबल जो है ना, एक लंबी लाइन है, दूसरी शॉर्ट लाइन है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना? तो यहां से एक लाइन बाहर निकलती है, ये दो लाइन है, दीज आर द टर्मिनल्स ऑफ द सेल. जो बड़ी लाइन है इट रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एंड जो छोटी लाइन है इट रिप्रेजेंट्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है? सो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड
यहाँ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड से लाइन आ रही है, इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं ऑफ द सेल। इज दिस क्लियर यू? ओके, तो इस तरह से दिखाते हैं, दिस इज द सिंबल फॉर एन आइडियल सेल। आइडियल सेल किसको कहते हैं? जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगी, ऐसा तो है ही नहीं, तो हर एक सेल की कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। तो हम कैसे दिखाते हैं, तो इसके साथ हम सीरीज में एक छोटी सी जिगजैग लाइन दिखाएंगे, तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं रियल सेल जो होगी वो इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पे नेगेटिव, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, दिस इज द कंप्लीट सर्किट सिंबल ऑफ रियल सेल, ठीक है। टू पैरेलल लाइंस, इसके साथ हम दिखाते हैं छोटी सी रेजिस्टेंस, ये विद इन द सेल होती है, ये कोई रेजिस्टेंस कॉइल नहीं होती है, इट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट पोज्ड टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, इज दिस क्लियर टू यू? तो इस तरह से दिखाते हैं कंप्लीट सिंबल सर्किट सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज लाइक दिस, ठीक है ना। ओके, अब मैं इसको रब करता हूं, ये हमने अंदर क्या है वो हमने डिस्कस किया, इसके साथ आपको समझ आ गया जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किस वजह से है, ठीक है ना। अब इस तरह से हमारे पास जो सर्किट सिंबल है ऑफ ए सेल, यहां पे एक बॉक्स में रखेंगे, तो इसका मतलब है ये बॉक्स इसलिए दिखा रहे हैं, यहां पे जो सेल है ये विद इन द सेल, ये जो रेजिस्टेंस है ये विद इन द सेल है, जो अपोजिशन है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस अपोजिशन इज विद इन द सेल नॉट आउटसाइड द सेल, दिस द कंप्लीट सेल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल हियर, दिस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक है ना। अब जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर वन, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड्स कैसे है, उनमें कैसी कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रोड्स कैसे है, इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, उस पर डिपेंड करता है ये, एंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। नंबर टू, इट डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। जो इलेक्ट्रोड्स है इनका इफेक्टिव एरिया कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इफेक्टिव एरिया का मतलब क्या है, यहां से फिर से मैं बना दूंगा, ये इलेक्ट्रोलाइट है, बीकर है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसमें हमने इमर्स किए टू इलेक्ट्रोड्स, तो इफेक्टिव एरिया का मतलब यहां तक ये इमर्स है, ठीक है ना, ये आउटसाइड है, इसके बाहर ये, तो एरिया इफेक्टिव एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, जो इसका ये एरिया है, एरिया विच इज एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स विच एक्सपोज टू इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इफेक्टिव एरिया, उस पर डिपेंड है ये। एंड नंबर थ्री, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड्स इनके दर में कितनी डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड है ये। एंड इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड है। अब देखिए, जो अगर एक कॉपर इलेक्ट्रोड है तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। अगर ये इलेक्ट्रोड कार्बन का होगा तो इसका इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसकी तो जनरली जो टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टिविटी इट इज नेगेटिव, सो इट मीन्स दैट अगर हम टेम्परेचर इसका बढ़ा देंगे ही, उससे क्या होगा, इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो कम क्यों होती है, बिकॉज जो इंटरेक्शन होती है आयन्स के दरमियान वो कम हो जाती है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग टेम्परेचर से। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच द इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ठीक है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि जो सेल हो उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम हो,
इस तरह से हम मेटेरियल का इस्तेमाल करते हैं वो कम होनी चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो एनर्जी सेल में से निकलेगी उसका कुछ पोर्शन विद इन द सेल कंज्यूम हो जाएगा, जो सेल एनर्जी सप्लाई करेगी उसमें से कुछ पोर्शन विद इन द सेल कंज्यूम हो जाएगा इन ऑर्डर टू वर्क आउट दिस अपोजिशन, ठीक है ना, विद इन द सेल। तो हम चाहते हैं कि सेल ऐसी हो उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो। देन यू बाय ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल फ्रॉम द मार्केट, अगर मार्केट जाओगे बाजार से लाओगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल तो उसकी इनिशियली जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। देन वी पुट द सेल टू मोर एंड मोर यूज, व्हाट हैपेंस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इंक्रीजेस, जितना हम सेल को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी ही इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो फाइनली एक स्टेज आ जाती है जब ये कम्प्लीटली हम कम्प्लीट डिस्चार्ज होती है, पूरा हम इसको यूज करते हैं तो उस वक्त उसकी बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है, इन्फिनिट रेजिस्टेंस होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो फिर करंट फिर उसको फेंक देते हैं, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस।